स्वागत है। मैं सत्यजीत कुमार चौहान, जो काउंसलिंग के बारे में बराबर आपको बताया, और बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग में बहुत सारे कॉलेज को चॉइस कर चुके हैं, और आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सा कॉलेज कहां पर है और आप कैसे जा सकते हैं उस कॉलेज तक, तो ये मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि 3 तारीख के डेट के काउंसलिंग को चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उस दिन मेडिकल का MBBS और डेंटल सर्जन के लिए 3, 4 और 5 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है। तो जुलाई के 6 तारीख के दिन 3 तारीख का काउंसलिंग होना है, जिसमें ST SC के बच्चे, खासकर ST के बच्चे जो कुछ लेना चाहते हैं, तो मैं कह दूँ कि उन्हें सिमडेगा और साहिबगंज में कुछ सीटें ST की खाली है, और गर्ल्स में अगर कोई ST कैंडिडेट है और 6 तारीख को कोई कॉलेज लेना चाहती हैं, तो मैं बता दूँ कि गमरिया का आर्किटेक्चर ब्रांच ST के लिए खाली पड़ा हुआ है। तो आइए आज मैं कॉलेज के बारे में बताता हूँ कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो मैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा, झारखंड में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और कौन कहाँ स्थित हैं, इसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, ये आपके सामने मैंने एक झारखंड का मैप रखा है, जहाँ मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कुछ नए कॉलेजेस से, जैसे पहला कॉलेज सिमडेगा। आप देख रहे हैं कि झारखंड के मैप में सिमडेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य के किनारे, आप झारखंड के किनारे साइड गुमला, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम के सटा हुआ एक क्षेत्र सिमडेगा है, जहां पर अभी एक नया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमडेगा खुला हुआ है, और ये थोड़ा सा आगे बीरू से थोड़ा सा आगे जाकर सिमडेगा का कॉलेज है। और सिमडेगा जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ राउरकेला, जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एरिया है, और इनके बीच का एरिया है सिमडेगा। इसके बाद मैं दूसरे कॉलेज की बात करता हूँ, तो चूंकि मैं एक साथ लगातार सीरीज में बताता जाता हूँ अब कॉलेज, तो सेकंड कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार। आप देख रहे हैं कि ये लातेहार में स्थित है, और ये घिरा हुआ क्षेत्र है गुमला, लोहरदगा, चतरा, पलामू और गढ़वा। तो लातेहार जो आपका ज़िला है, वो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ आपका कॉलेज स्थित है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार। इसके बाद मैं रांची की बात कर दूँ, तो रांची में 2 कॉलेजेस हैं, एक आपका बॉयज़ का और दूसरा गर्ल्स का। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि रांची में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, जो चर्च रोड के पास स्थित है, तो रांची में आपका बॉयज़ का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और आप देख रहे होंगे कि गर्ल्स का गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक रांची, जो तारपखना में है, ये भी रांची के अंदर ही स्थित है। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लिए होंगे, तो रांची जो आप देख रहे होंगे, ये तो हमारे झारखंड का राजधानी है, कैपिटल है, और साथ में ये रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और लातेहार से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो अगर आप रांची में एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ टाटा नगर। चूँकि टाटा में मैंने बताया है कि आदित्यपुर जैसे बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो टाटा से प्लेसमेंट की संभावना इसलिए ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर टाटा जैसी बड़ी कंपनियाँ स्थित है, और ये एक अच्छा खनिज क्षेत्र भी आता है। तो टाटा में आप देखेंगे कि अगर झारखंड में खनिज का देखा जाए, तो ये टाटा नगर जो सिंहभूम एरिया है, ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में, खासकर पूर्वी सिंहभूम जो है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ आपका टाटा नगर में आप देखेंगे कि वहाँ आदित्यपुर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और उसी से थोड़ी सी दूर पर वोमेंस पॉलिटेक्निक, चूँकि गर्ल्स का जो गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक है, वो गम्हरिया का आपका स्थित है, जो टाटा से थोड़ी सी ही दूर पर स्थित है। और वहीं अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां जो मिल जाएगा खरसावां में, और ये भी लगभग आसपास है। तो खरसावां के बच्चों को ये फ़ायदा हो जाता है कि वो टाटा के आदित्यपुर, अलकबीर और गम्हरिया जैसे कॉलेज के फैकल्टीज़ से क्लासेस ले सकते हैं, और वहाँ एक पढ़ने का इन्वायरमेंट बन जाता है। और यहीं आप देख रहे होंगे कि एक नया कॉलेज जो पश्चिमी सिंहभूम के पास है, और वो है जगन्नाथपुर। तो जगन्नाथपुर जो है, वो आपका खरसावां से आगे बढ़कर, अगर आप चायबासा होते हुए आगे बढ़ेंगे, तो झिकपानी होते हुए आप जा सकते हैं जगन्नाथपुर।
और जगन्नाथपुर भी अभी एक नई कॉलेज है, तो आप यहाँ भी अगर एडमिशन लिए होंगे तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। आगे बढ़ता हूँ मैं और बोकारो की बात करता हूँ, तो चूंकि मैं बोकारो से ही हूँ और बोकारो में आप देख रहे होंगे कि बोकारो में बॉयज़ का एक पॉलिटेक्निक जीपी खुटरी, जो आपका बालीडी के आगे, मतलब बालीडी से आगे खुसरो की ओर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बॉयज़ का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल है, और बालीडी में वोमेंस का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक बालीडी, जहाँ गर्ल्स का इलेक्ट्रिकल ब्रांच और भी बहुत सारे ब्रांच की पढ़ाई होती है। तो बोकारो जो देख रहे होंगे आप, ये रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिला से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इधर एक तरफ पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है जो पुरुलिया से भी काफ़ी नज़दीक है। इसके बाद अगर आप चले आएँ तो आप देख रहे होंगे कोडरमा, कोडरमा एक माइनिंग का काफ़ी अच्छा ट्रेड है यहाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, जो आप कोडरमा अगर जाना हो तो आप गिरिडीह, हजारीबाग और बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है कोडरमा, और यहाँ आप अगर माइनिंग के लिए होंगे तो यहाँ माइनिंग के लिए आप जा सकते हैं या कॉलेज आप सर्च कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूँ धनबाद, तो आप देख रहे होंगे धनबाद में तीन कॉलेजेस हैं, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद जो धनबाद में ही स्थित है, और दूसरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, ये भी धनबाद में स्थित है, और आप अगला देख रहे होंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा जो आपका सिंदरी में स्थित है। यहाँ भागा का माइनिंग काफ़ी बेस्ट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा यहाँ भी माइनिंग है, और धनबाद ये भी आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए एक बेस्ट कॉलेज है, और ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, तो दुमका जो आप देख रहे होंगे देवघर, जामताड़ा और पाकुड़ और गोड्डा के बीच स्थित है यहाँ दुमका, और दुमका में दो कॉलेज हैं, अभी एक नया कॉलेज गर्ल्स का खुला है और एक बॉयज़ का कॉलेज है, तो गर्ल्स के कॉलेज में सिविल ब्रांच जो यहाँ एक नया स्थित हुआ है, तो अगर आप दुमका जाना चाहते हैं तो फिर आप जामताड़ा, देवघर, गोड्डा और पाकुड़ इस कहीं से भी होते हुए जा सकते हैं, और ये बिहार से भी सटा हुआ है। इसके बाद मैं एक नया कॉलेज साहिबगंज, जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ लास्ट झारखंड का एक लास्ट कॉर्नर में जहाँ बिहार से सटा हुआ एरिया साहिबगंज है, ये भी गोड्डा और पाकुड़ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और साहिबगंज में अगर आप कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ के मेन पोस्ट ऑफिस के पास ये कॉलेज स्थित है। इसके बाद मैं और डिटेल बता दूँ आपको कि ये तो हो गए एक नॉर्मल कॉलेज की स्थिति, और इसके बाद अगर आपको कॉलेज का एक सही आइडिया चाहिए तो आप गूगल मैप में कॉलेज का नाम लिखकर और मैप में उसकी रियल स्थिति को देखकर कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। कुछ नए कॉलेजेस हैं जहां बच्चों को पहुंचने में काफ़ी असुविधा हो रही थी, बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर ये कॉलेजेस कहां है, तो इसके बारे में मुझे लगा कि मैं आपको मैप द्वारा एक लगभग आइडिया दे दूँ कि कौन सा कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हो गया होगा, और काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एंटी रैगिंग कहाँ से बनानी है, आपको मेडिकल फिटनेस कहाँ से बनाना है, तो जैसा मैंने वीडियो में बता दिया है कि एंटी रैगिंग के लिए आपको कोर्ट से बनाना है, और उसके लिए आपको कोर्ट का मैं हो सकता है कि एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको एंटी रैगिंग और मेडिकल फिटनेस के बारे में मैं एक डिटेल जानकारी दे दूँगा। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।